हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि हमने आप लोगों के साथ, जैसे कि कब्ज पायल फिशर की जिसको प्रॉब्लम है उनके लिए हमने नाश्ता शेयर किया है, थाली शेयर किया है, हमने बहुत सारी रेसिपी शेयर किया है। तो हमने सोचा अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें भी आपके लिए शेयर करूं। जैसे कि तो मैं सोची कि जैसे आपका पेट भी साफ़ रहे, आपको ताकत भी मिले, आपको एनर्जी भी मिले और आपका जैसे खाने में भी अच्छा लगे, तो हमने सोचा आपके लिए लड्डू शेयर करती हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। तो इसलिए हमने सोचा और ये काफ़ी अच्छा लड्डू मेरा बना है, तो इसे आप ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट से झटपट से बताती हूँ कि ये लड्डू हमने बनाया कैसे है और इसमें क्या चीज़ें हमने ऐड किया है। तो सबसे पहले ये बार्ली दलिया है, जौ का दलिया है जो कि आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। अब ये दलिया जो है एक कटोरी हमें लेना है। एक कटोरी लेने के बाद इसको 3-4 बार अच्छे से धुलना होता है क्योंकि इसको धुलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेकिन हमने इसको धुला 3-4 बार धुल के फिर इसको अच्छे से हमने सुखाया धूप में। 1 घंटे की धूप में आप पंखे में भी 1 से 1.5 घंटे में सुखा सकते हैं। हमने इसको 1 घंटे में सुखाया, बिल्कुल अच्छे से सूख कर तैयार हो गई। तो ये जौ का दलिया जो होता है ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये जैसे कि पेट साफ़ करने के लिए होता है, जैसे जिसको बवासीर की प्रॉब्लम है उसको इसका चावल बना के खा सकते हैं, सब्जी के साथ इसकी जैसे कि खिचड़ी बना सकते हैं, कुछ भी बना के ले सकते हैं, रोटी बना सकते हैं आटा पिसवा के। दलिया अच्छे से सूख गया है, खजूर लिया है 12 से 13 छोटे छोटे कट करके रख लिया है, मुनक्का, अंजीर थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मखाना, सिर्फ फाइबर वाली चीज़ें हमने ली हुई हैं। और इसको बिना घी का सूखी कढ़ाई में इसको धीमी आंच पे, टाइम लगेगा लेकिन धीमी आंच में अच्छे से अब खूब अच्छे से सीख कर तैयार हो जाएगा। जब तक ये कुरकुरा ना हो जाए तब तक इसे धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई करते रहना है। देखिए अभी ये क्रश होने लगा है तो अच्छे से भून चुका है। क्योंकि आप लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैं घी का थोड़ा कम ही से, जैसे घी बहुत कम ऐड करूँगी इसमें। तो बिना घी का मखाने को भून लिया, अब हम थोड़ा सा घी डालेंगे क्योंकि दलिया को भूनना है। तो दलिया को थोड़ा अच्छे से भूनेंगे घी में तो अच्छे से पक जाएगी। तो इसे अच्छे से आपको इसे सेक लेना है, जिससे कि इसे 6 से 7 मिनट लगता है, धीमी आंच पे अच्छे से सेक लेंगे। तो ये जो लड्डू तैयार होगा, जौ का लड्डू जो ये तैयार होगा, ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वज़न को घटाना चाहते हैं तो भी आप इस लड्डू का सेवन ज़रूर करें। इससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपको कमजोरी भी नहीं होगी। आप जैसे ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, 2 लड्डू खा लिया नाश्ते में आपके लिए काफ़ी है, तो आपको काफ़ी ताकत रहेगी, एनर्जी रहेगी। इसमें आप अपने इच्छा अनुसार चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ जैसे कि कब्ज पायल्स फिशर के लिए इसे बनाया है तो उन्हीं के अनुसार चीज़ें ऐड की हैं। जैसे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो घी का आप कम यूज करें, हमने थोड़ा सा डाल दिया है क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फिर खाने में। और जैसे कि हमने पहले भी बताया, इसकी खिचड़ी बना के, इसकी दलिया बना के, इसका मीठा दलिया बना के आप कैसे भी इसको यूज़ करें, इसकी रोटी बना के, आसानी से जौ का आटा मिल जाता है। तो ये अगर आपको बवासीर की परेशानी है तो आप इसे लेते हैं, जौ का सेवन करते हैं तो आपको 3 दिन में बहुत ही जल्द आराम मिलेगा, 3 दिन में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। हमारा जो दलिया है बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे क्योंकि गर्म नहीं इसका पाउडर बनाना है, तो थोड़ा सा ठंडा करके ही इसे पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। अब बिल्कुल ठंडा हो गया है और मिक्सी जार में हम जिसमें चटनी बनाते हैं उसमें हम इसमें डाल लेंगे क्योंकि हमें बारीक पाउडर चाहिए, सूजी के जैसा हमें इसका पाउडर तैयार करना है। तो देखिए अच्छे से इसका पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है
और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसे आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। मखाने को हल्का सा क्रश कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े इसके, क्योंकि बारीक पाउडर बनाने से खाने में नहीं अच्छा लगेगा, और जब क्रश करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो खाने में मन करता है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिया है, इस तरह से इसे क्रश कर लिया है। अब हम खजूर को और किशमिश, मुनक्का, जो भी आपके पास हो, अंजीर दो चार पीस डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से इसका दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है आगे, आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको शुगर की परेशानी है तो आप बिना गुड़ का सिर्फ खजूर से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा दूध डालिए या पानी डालिए, खजूर डालिए, और फिर अच्छे से इसका पेस्ट आपको थोड़ा बारीक करना होगा। हमने थोड़ा गुड़ यूज किया है इसलिए उसको बारीक नहीं किया है। तो बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला हमने, और गुड़ जिस कटोरी से हमने दलिया लिया था उसी कटोरी से हमने गुड़ लिया है, तो उसी के बराबर गुड़ लेंगे, आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। और थोड़ा सा जैसे ही मेल्ट होता है वैसे ही हम इसे उतार लेंगे, बंद कर देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, और फिर हम ये जो हमने खजूर है, ये डेट्स है, किशमिश सब हमने इसको दरदरा सा पेस्ट बनाया था, इसको हम कढ़ाई में डाल के बस इसी स्टेज पे हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा आटा और थोड़ा थोड़ा मखाना को डालते हुए इसे मिलाते रहेंगे। इस तरह से जब आप मिक्स करते रहेंगे तो लास्ट में पूरा आटा हम डाल देंगे इसमें। अच्छे से इकट्ठे चीज़ों को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते डालते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से थोड़ा थोड़ा मिलाने से मिल जाती हैं। तो इस तरह से जैसे कि हमने एक बार आटा डाला, मखाना डाला, फिर इसे मिक्स किया, और फिर इसमें धीरे धीरे चीज़ें ऐड करते हुए सारी चीज़ों को हम डाल देंगे। तीन बार में हमने डाला है। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, और पेट भी साफ करने के लिए बहुत अच्छा है, वजन घटाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और सर्दी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से इसमें आप सौंठ पाउडर डाल सकते हैं, जायफल का पाउडर डाल सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें स्किप कर दी हैं, हल्दी डाल सकते हैं, क्योंकि आप पाइल्स फिशर जैसी समस्या है, कब्ज की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये लड्डू आप ज़रूर खाएँ। तो इसलिए हमने अपने इस तरीके से बनाया है। आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हमने आपके साथ शेयर किया है, तो इसलिए आप इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसको एक बार आप ज़रूर बनाकर खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि प्यास लगती है, कभी भी खा लिया, पानी पी लिया, ये नुकसान भी नहीं करेगा, आपका पेट साफ करेगा। आपको मीठा खाने का मन है तो मीठा भी, जैसे कि मन करता है खाने का तो खा लिया, अच्छा लगेगा। तो इसे खाकर आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको अपने आप को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी या नई जानकारी लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।